जो हुआ। देखता हूँ कौन सा पुलिस वाला यहाँ आ गया। तो दोस्तों हाल ही में बोनी कपूर ने वांटेड 2 को हरी झंडी दिखाई है, वहीं अब इसको लेकर एक अपडेट भी सामने आया है। जी हां, बॉलीवुड फिल्म मेकर बोनी कपूर का कहना है कि वो फिल्म वांटेड सलमान खान को लेकर ही बनाना चाहते हैं। बोनी कपूर ने बताया कि कैसे उन्होंने सलमान खान को फिल्म वांटेड के लिए राजी किया था। बोनी कपूर ने कहा, फिल्म वांटेड 2009 में रिलीज हुई थी और हमने इसे 2007 में बनाना शुरू कर दिया था। मुझे यकीन था कि इस फिल्म के निर्माण से बॉलीवुड में एक्शन वापस आ जाएगा, क्योंकि उस दौर में सिर्फ रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा ही फिल्में बन रही थी और एक्शन कहीं गायब सा हो गया था। जितना मैं जानता हूँ, जनता को एक्शन फिल्मों से सबसे बड़ी खुशी मिलती है। उन्होंने न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में दो अन्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों के सीक्वल के बारे में बात की। उन्होंने कहा, वांटेड 2 के लिए मैंने सलमान से बात की है। मैं नहीं जानता कब बनेगी, लेकिन सलमान ने मुझे वादा किया है जब भी सही स्क्रिप्ट मिलेगी वह फिल्म करेंगे। बोनी कपूर ने आगे कहा, यह मेरी आखिरी बातचीत है। जब मैं उन्हें यह बताने के लिए गया था कि मैं एक नई स्टार कास्ट के साथ नो एंट्री बनाने जा रहा हूँ, फिर मैंने उनसे कहा, मैं वांटेड 2 बना रहा हूँ, क्या आप इसका हिस्सा बनेंगे? उन्होंने कहा, हाँ, मेरे पास कई आइडिया है, मैं इस पर काम करूंगा, जब फाइनल होगा तब बात करूंगा। और अब खबरें हैं, वांटेड 2 की स्क्रिप्ट रेडी है जिस पर डिस्कशन होना बाकी है, और स्क्रिप्ट रेडी होना ये भाईजान के फैंस के लिए काफी बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें, हाल ही में 18 सितंबर को फिल्म को रिलीज हुए 14 साल पूरे हुए। इस खास मौके पर ट्वीट कर कई भाईजान फैंस ने वांटेड 2 बनाने की मांग भी की थी। वैसे आपको क्या लगता है, वांटेड 2 आनी चाहिए या नहीं, इस वक्त कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।